पकड़ लिया सर, जितने भी डायमेंशन हो सकते हैं जिंदगी में आया उन पर बहुत गहराई से अपनी बात रखी है। मैं केवल एक पक्ष पर कुछ विचार रखूँ जो अभी सुधीर जी ने सबसे अंत में बात कही है, मीडिया वो हम यूट्यूब का इस्तेमाल कर रहे हैं, सोशल मीडिया हम जुड़े रहते हैं और काफी बुक लाना चाहते हैं। आज हम बुद्धिज्म को, बाबा साहेब अम्बेडकर को, माननीय काशीराम जी को, पूरे आंदोलन को और पूरे हजारों साल के इतिहास को यदि जानते हैं तो इसलिए हमारे पास सके संभव होता था क्योंकि हमारे पास वो चीजें लिखित रूप में होती। यदि बाबा साहेब ने लिखा नहीं होता, केवल व्याख्यान दिए होते या माननीय काशीराम जी ने केवल व्याख्यान दिए होते और उनका डॉक्यूमेंटेशन नहीं हुआ होता तो आज ये आंदोलन इस रूप में नहीं होता और हम इस रूप में उतने जागरूक नहीं होते। तो ये लिखना केवल साहित्य जो होता है किताबों का नहीं होता, ये किताबें होती हैं उनका प्रसार सीमित होता है, उनका पढ़ने में सीमित होती है, वो कहीं लाइब्रेरी में हो जाती हैं, जमा हो जाती हैं, खत्म होती हैं, बहुत कम तत्व होते हैं। लेकिन जो पत्र पत्रिकाएं हैं उनका सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, वो कम कीमत की होती हैं, उनका सर्कुलेशन ज़्यादा होता है, ज़्यादा लोगों तक अपनी बात पहुँचा जा सकता है। बाबा साहेब अम्बेडकर ने जो आंदोलन चलाया उसके साथ साथ उन्होंने अपने विचारों को लिपिबद्ध किया किताब के रूप में भी और पत्रकारिता के माध्यम से। उन्होंने कई बहिष्कृत भारत, जनता, कई अखबार उन्होंने समय समय पर निकाले और उसी का अनुसरण करते हुए माननीय काशीराम जी ने पत्रकारिता को खुद है। अभी जब उन्होंने 1978 के आसपास जब गांव से शुरू किया, मैं भी आपके साथ शेयर करूं कि उन्होंने 1978 में एक बैनर का गाजियाबाद में लगा था कर्लू अम्बेडकर भवन में, मैंने वो अटेंड किया था और उस रात वो E-140 पटेल नगर सेकेंड एमएल तोमर साहब के घर पर ठहरे थे। रात को हम लोगों ने पहली बार उनको व्यक्तिगत रूप से जाना और देखा भी जाना। तो उन्होंने पत्रकारिता का महत्वपूर्ण समझा और इसीलिए उन्होंने बहुजन संघर्ष अखबार निकाला, कांग्रेस इंडियन निकाला, उसके बाद उन्होंने दैनिक पत्रिका शुरू किया। तो ये चीजें जो बहुजन संघर्ष क्योंकि हम उसे पढ़ते भी थे और मैं उस पर लिखता भी था 1980-81-82 तक मैंने कई लेख उसमें लिखे। तो उस अखबारों में जहाँ जहाँ माननीय काशीराम भाषण देने जाते थे, हमारे जो उनके बामसेफ के कार्यक्रम होते थे उनकी रिपोर्ट होती थी, रिपोर्ट के साथ साथ अलग अलग पेजों पर समाज में जातिगत या अन्य तरह की उत्पीड़न की घटनाएं होती थी वो भी जिक्र होता था और अलग तरीके से जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व के जो इश्यू होते थे उनको भी अलग अलग तरीके से उनका वो जिक्र होता था। दूसरा महत्वपूर्ण बिंदु ये होता था वो उसके संपादन, काशीराम जी खुद संपादन करते थे तो उन पत्रों का पत्रिकाओं का संपादकीय जो उनके होते थे वो इतने महत्वपूर्ण होते थे कि उसमें उनका एक गंभीर जो उनको कहते हैं पूरा विजन उसमें दृष्टि होता और वो केवल बामसेफ को लेकर के, बामसेफी गतिविधियों को लेकर के, अपने भावी कार्यक्रमों को लेकर के ही वो सारे संपादकीय नहीं होते थे। उनमें कई ऐसे संपादकीय भी हम पढ़ने को मिलते थे कि झारखंड में एक बड़ी दुर्घटना हो गई, उसे घुस पाए लोग मर गए, तो एक मानवीय पक्ष होता है उसके ऊपर भी उन्होंने संपादकीय लिखा। या राजनीति किस रूप में कहाँ जा रही है उस पर उन्होंने संपादकीय लिखे। उन्होंने सांस्कृतिक परिदृश्य क्या है और किस तरह का चल रहा है उस पर संपादकीय लिखे। जातीय उत्पीड़न की जो घटनाएं हो रही हैं
उस पर उन्होंने संपादित किए, अपने केंद्रित किए। यानी कि कुल मिला के कहना मेरा उद्देश्य यह है कि उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से ना केवल अपने विचारों को, ना केवल अपने आंदोलन की अपनी सैद्धांतिकी को और उसकी भावी दिशा को, बल्कि संपूर्ण परिदृश्य को एक उसका एक तरह का एक डॉक्यूमेंटेशन किया और उसके जरिए अपना जो पूरा जो हमारा नेटवर्क था जो बहुजन आंदोलन का मानसिक के जरिए हुआ वहाँ तक सब में वो सब चीज़ें और एक दूसरे के कुल के रूप में ब्रिज के रूप में उसने काम किया कि सब एक दूसरे को समझ सकते, क्योंकि वो जहाँ जहाँ हर गाँव में मोहल्लों में शहरों में सब जगह वो दस दस बीस बीस पचास पचास जहाँ जैसा होता था वो अपनी उसकी जाती हम लोग पढ़ते थे। तो ये मैं कहना चाह रहा हूँ कि आज भी उसका अधिक असर ये हुआ कि उस समय पे वहाँ पे क्या नाम उसका मैंगा अनारे भारत वो अखबार निकालते थे और जान दर्शक हुए अखबारी साहब निकालते थे, वो केवल उसे अखबार निकलते थे या आग पर निकालते थे वहाँ से कानपुर से पत्रिका निकालते थे या धम दर्पण करके यहाँ से निकलती दिल्ली से, ये बहुत सी पत्रिकाएँ थी। लेकिन जब से मान्यवर काशीराम ने ये पत्रिकाओं का पत्रों का संपादन शुरू किया उसके बाद से उसके महत्व को हमारे समाज में समझना कि इनका क्या महत्व है और हम देखते हैं उसके बाद में बहुत सारी तादाद में पत्र पत्रिकाएं पूरे देश भर में निकल रही और आज जो आंदोलन चल रहा है जितना आगे बढ़ रहा है जो चेतना का विस्तार विकास हो रहा है इसमें उस पत्रकारिता का बहुत बड़ा योगदान है। तो मैं जो हम माधवर काशीराम के जो विभिन्न जितने उनके व्यक्तित्व के या उनकी प्रतिभा के उनके जितने भी आयाम हैं उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण आयाम जिस पर हम बहुत कम चर्चा करते हैं ये पत्रकारिता कि उन्होंने पत्रकारिता के माध्यम से, इसलिए आज भी हमें महसूस करना चाहिए कि पत्रकारिता को हम लोकतंत्र का चौथा स्तंभ मानते हैं और लोकतंत्र का चौथा स्तंभ में वो तीनों स्तंभ अपने क्या काम करते हैं वो अलग जगह है, लेकिन पत्रकारिता और वो इसीलिए उन्होंने पत्रकारिता जो पहला अंक निकाला था उन्होंने उस पहले अंक के संपादकीय में उन्होंने इस बात को निकाला था पत्रकारिता हम क्यों अपना पत्र निकाल रहे हैं कि जो इस देश का मीडिया है इस देश के समाचार पत्र पत्रिका है वे वहाँ तक वो हमारी आवाज़ हमारी घटनाएं हमारे साथ होने वाली हमारे विचार वो उनको प्रकाशित नहीं करता, हमको वो जगह नहीं देता मीडिया, वो हमारी उपेक्षा करता है। तो इसलिए हमें अपना मीडिया खुद विकसित करना पड़ेगा और क्यों नहीं करना क्यों करता है क्योंकि मीडिया पूंजी और ब्राह्मणवाद इन दोनों का बड़ा एक गठजोड़ है। पूंजी मुनाफा देखती है, जो भी अखबार निकालता है चाहे दैनिक है साप्ताहिक कोई भी कोई पत्रिका निकालता है वो न्यूज चैनल खोलता है वो पहले अपना मुनाफा देखता है और वो ऐसा कोई भी समाचार को प्रसारित नहीं करेगा, कोई भी ऐसा कोई लेख भी नहीं छापेगा कोई न्यूज नहीं छापेगा कि जिससे उसके मुनाफे पर असर पड़ता हो जहाँ तक, इसीलिए कोई ऐसे घोषणा निष्ठावान पत्रकार नहीं देगी रविश कुमार जैसे मिलेगी और बहुत सारे लोग मिलेगी कि जो दिल से चाहते हैं कि वो सच को सामने लाना चाहते हैं लेकिन उनको उतनी स्वतंत्रता नहीं होगी और बहुत सारे लोगों ने जिन्होंने इतनी कोशिश की है उनको वहां से निकाल दिया है नौकरियों को। तो एक तो चेतना का होना कि पत्रकारिता में हमारे लोग बहुत समाज के लोग बहुत कम है वही ब्राह्मणवादी लोगों का एक वर्चस्व है और दूसरा क्योंकि मुझे याद आ रहा है एक बार चंद्रभान प्रसाद के सर ने किया था एक किताब निकाली मीडिया के ऊपर तो उसमें 1% लोग भी मीडिया में अपने नहीं मिले पूरे मीडिया में इतना काफी है। तो मीडिया में यदि हमारे लोग चले भी जाए और उसके मालिक वो दूसरे लोग हैं और वो अपने समाज की बात को वहाँ लाना भी चाहें तो उनको उतनी छूट मानी नहीं उनको स्वतंत्रता नहीं मिलेगी। तो वो स्वतंत्रता हमको अपने घर में अपने मंच से अपना मीडिया दे सकता है तो इसलिए अपने मीडिया का होना बहुत जरूरी है। इसलिए अंतिम दिनों में आते आते आंदोलन निर्वाह के कार्य थे उन्होंने दैनिक पत्र का संपादन किया यह अलग बात है वो दैनिक पत्र बहुत ज्यादा चल नहीं पाया लेकिन आज
कि पूरा घटनाक्रम जो कुछ पूरे देश में चल रहा है और हमारा आंदोलन, ये इस बात को रेखांकित कर रहा है कि हमारा अपने मीडिया का बड़े स्तर पर होना बहुत जरूरी है। हम केवल यूट्यूब पर निर्भर नहीं रह सकते, हम केवल व्हाट्सएप और ये फेसबुक या इस तरह के सोशल मीडिया पर निर्भर नहीं रह सकते, हमारे लिए प्रिंट मीडिया का होना भी बहुत जरूरी है, प्रिंट मीडिया के साथ साथ। तो इसलिए हमारे कम से कम अपने कई हर राज्य में, मैं समझता हमारे दैनिक पत्र होने चाहिए, हर राज्य में नहीं हो तो कम से कम हमारे प्रमुख भाषाओं में हमारे दैनिक पत्र होने चाहिए, और हमारे इस तरह के कुछ और बड़े हमारे न्यूज चैनल और इस तरह की चीज़ें होनी चाहिए जहाँ बहुत खुल करके अपनी बात को पूरी स्वतंत्रता के साथ पूरी ताकत के साथ अपने रख सकें, अपने आंदोलन को बढ़ा सकें। मैं समझता हूँ, धन्यवाद।